हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ विद आईएएस में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बड़ी खबरों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीजी टीके का कोरोना पर होगा ट्रायल। इसके साथ साथ राशन कार्ड न होने पर खाद्यान्न देने की नीति तय। और नेक्स्ट न्यूज, अजमेर में फंसे जायरीन ने की वापसी की मांग। इसके साथ साथ बड़ी कंपनियों में 200,000 नई नौकरियों के मौके। और हमारी आज की जो मेन न्यूज है, पीसीएस 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ आपको लगातार समय पर मिलती रहे। जैसे कि आप देख सकते होंगे, फैसला पुणे की टीका बनाने वाली कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च जोखिम वाले समूहों पर जल्द परीक्षण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बीसीजी के टीके को कोरोना की रोकथाम के लिए आजमाने का फैसला लिया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के अनुरोध पर ड्रग कंट्रोल ने सीधे इसके तीसरे चरण के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही आमतौर पर ऐसी दवाओं को पहले दूसरे चरण के ट्रायल से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस मामले में सीधे बड़े पैमाने पर होने वाले तीसरे चरण के परीक्षण होंगे। पुणे स्थित टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि उच्च जोखिम वाले समूहों पर इसका जल्द परीक्षण किया जाएगा। और अगली न्यूज आप यहाँ देख सकते होंगे, राशन कार्ड न होने पर खाद्यान्न देने की नीति तय कर दी गई है। लखनऊ से आई न्यूज, राज्य सरकार ने राशन कार्ड न होने के बाद भी जरूरतमंदों को खाद्यान्न देने की नीति तय करते हुए 2.15 अरब रुपए दिए। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार की देर रात आदेश जारी कर दिया है। कोरोना से प्रभावित परिवारों को एक सप्ताह के लिए राशन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें आटा व चावल 5-5 किलो, दाल 1 किलो, रिफाइंड या सरसों का तेल 1 किलो, नमक 1 किलो, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च 200-200 ग्राम और आलू 3 किलो का सामान्य परिस्थितियों में प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आच्छादित सभी राशन कार्ड धारक इस पात्रता परिधि में शामिल नहीं होंगे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, अजमेर में फंसे जायरीन ने की वापसी की मांग। आला हजरत ताजुस्सरिया सोसाइटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर अजमेर दरगाह पर फंसे जायरीन को उनके घरों तक पहुंचाने की मांग की है। दरगाह की तरफ से कोटा में फंसे छात्रों की वापसी की पहले का स्वागत किया है। काजी उल हिंद मुफ्ती असद मियाँ के दामाद फरमान हसन खान ने प्रदेश सरकार से अजमेर दरगाह पर फंसे जायरीन को उनके घरों तक पहुंचाने की मांग की है। उन्होंने सीएम को ट्वीट करके कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोटा में फंसे छात्रों को वापस भेजने की व्यवस्था को सराहनीय कदम बताया है। अजमेर दरगाह में भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, उन्हें भी वापस भेजने की व्यवस्था सरकार करे। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज की बड़ी न्यूज़ जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान देश में आईटी, ई-कॉमर्स, बीमा एवं बैंकिंग सेक्टर में रोजगार के मौके बढ़े। बड़ी कंपनियों में 200,000 नई नौकरियों के मौके। महामारी के कारण लॉकडाउन होने के नौकरियों पर संकट गहराने के बीच एक अच्छी खबर आई है। पिछले एक माह में टेक महिंद्रा, IBM, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, कैपजेमिनी, डेलॉयट, वॉलमार्ट लैब्स, गूगल और अमेजन समेत कई कंपनियों ने 200,000 से ज़्यादा नौकरियों के लिए विज्ञापन भी दिए हैं। इसके साथ ही ई कॉमर्स में भी अवसर। लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में बड़ी मददगार बनकर उभरी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौके को ई कॉमर्स कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाने के लिए भी उपयोग कर रही हैं। इसकी वजह से आईटी के मात्र सबसे अधिक मांग ई कॉमर्स क्षेत्र में बढ़ी है। इसके साथ ही 80,000 नौकरियाँ शुरुआती स्तर यानी नए लोगों को 90% पूर्णकालिक नौकरियों की पेशकश की। 79% से ज़्यादा नौकरियाँ आईटी क्षेत्र में निकली हैं। 15% बैंकिंग, बीमा और ई कॉमर्स क्षेत्र में। इसके साथ ही आज की बड़ी अपडेट, UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए PCS 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से 21 जून को प्रस्तावित है। PCS और SEF RFO परीक्षा। इसके साथ ही सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि PCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 और सहायक वन संरक्षा के ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। PCS के तकरीबन 200 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि ACF RFO के पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अब तक अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग के कैलेंडर में PCS और ACF RFO प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन मंगलवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों
जिलों का, फिर फार्मा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई तय की गई है। आयोग को अब तक ACF RFO के पदों पर भर्ती के लिए पदों का अधियाचन नहीं मिला है। इस बारे में आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पहले तक अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में पदों की संख्या को सम्मिलित कर लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।